जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज देखो, हम पालक और सोया आलू का सूखा साग बनाने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो पहले हमने धो के पालक काट ली, पालक और सोया दोनों मिला के इसी में काट लिए हैं, और हमने इसमें आलू भी काट लिए हैं। और सीधे छौंकने के लिए उसमें हमने ये इधर देखो तैयारी कर रखी है। इधर ये लहसुन है, मिर्च है, हींग है। इधर कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम जो है मेथी दाने का तड़का मारते हैं, इससे जो है स्वाद बढ़ जाता है। और उसके बाद हम लहसुन डाल देंगे। ये जो लहसुन की कलियां हैं, लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाल दो, अच्छा लगता है इसमें। जब ये लाल हो जाएगा, भुन जाएगा, उसके बाद हींग और जो मिर्च है ये डाल देंगे। हींग और मिर्च इसमें डाल दी। अब जब ये थोड़ा ये भुन जाएगा, उसके बाद जो हमने आलू साग तैयार किया है, इसमें सोया पालक और आलू ये डाल दिया। और इसको ज़्यादा काट लिया सही से ताकि बन जाए। हम लोग सब्जी थोड़ी ज़्यादा ही खाते हैं। और इस तरीके से हमने कढ़ाई में सब्जी डाल दी, नमक डाल दिया, अपने सब्जी के अनुसार नमक डाल दिया। और इसे चला के 5 मिनट हम इसे ढककर रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे, क्योंकि ज़्यादातर साग में जब हम नमक डाल देते हैं, सीधे इसमें डायरेक्ट छौंक देते हैं हम, तो इसमें पानी ज़रूर छूटता है। तो 5 मिनट के बाद इसे खोल के हम देख लेंगे, फिर ढक के। उसके बाद थोड़ी देर तक ये साग जो है हमें, जब ये पानी इसका खोल के जलाने पड़ता है, और उसके बाद फिर ये साग को हम देखेंगे। इस तरीके से पानी जब रह जाता है, तो ये आलू अगर गल जाते हैं, थोड़ी देर और ढकेंगे, फिर उसके बाद इसे हम भूज लेते हैं। बाद में जब ये पानी सब जल जाता है, तो अब ये आलू अभी गले नहीं सही से, तो अब ये थोड़ी देर और हम इसे ढक के रखेंगे ताकि सही से पक जाएं। और उसके बाद बाद में हम साग को भूंजेंगे। अभी हमने ढक के रख दिया थोड़ी देर। ढक जाने के बाद जिस तरीके से ये हमने थोड़ा भूंज लिया और ये पक गया, इसे खूब भूंज लेंगे। पराठे पूरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप बना के खाइएगा, जो हेल्दी भी होता है, जो बहुत अच्छा बनता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये पराठा भी तैयार है, और इस तरीके से हमने पराठा सब्जी तैयार कर दिया है। खाइएगा और राधे राधे बोलिएगा, जय श्री कृष्णा बोलिएगा। लीजिए साग और पराठा, इस तरीके से हमने अपने थाली में लगा दिया और ये तैयार हो गया। खाइएगा, राधे राधे।